की मैं YouTube चैनल। अभी बाल थोड़ा बिखरा बिखरा लग रहा है कि हेलमेट पहना था। अबे आया थोड़ा घर के बाहर, थोड़ा मतलब ऐसे ही थोड़ा गेड़ी बेड़ी मार रहे थे, तो सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बना दें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मतलब ऐसे तो हमारा व्लॉग्स होता है, देखिए हमारा जो वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन पे नहीं रहता है, हम मतलब थोड़ा सा अपने घर का भी दिखाते हैं, थोड़ा व्लॉग भी करते हैं, थोड़ा आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ वो है अपने बाइक के बारे में, कि ऐसा कुछ SP125 के ओनर को भी लगता होगा कि नहीं, कि सिर्फ मुझे लगता है, कि कभी कभी लगता है ना कि मैंने ये बाइक क्यों ख़रीदा। आखिर मैं आखिर ये दूसरा बाइक भी ख़रीद सकता था, ये बाइक भी ख़रीदा हूँ, तो क्या ऐसा कोई है जिसको मतलब लगता है? तो मेरे को कभी कभी लगता है, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड बोथ, क्योंकि ये इस बाइक में कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ ख़राबी भी है। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन आएगा कमेंट में कि पल्सर 125 क्यों नहीं लिया, तो इसका बहुत सारा कारण है कि पल्सर 125 क्यों नहीं लिया। तो कुछ बात यहाँ भी करते, कुछ बात घर चल के भी करेंगे। बाय द वे आज कैसा लग रहा हूँ बता देना कमेंट सेक्शन, तो देख लो अच्छे। तो बात करते हैं कि तो पहले बात तो इस SP125 जो एक्सेलरेशन है वो बहुत अच्छा है कंपेयर कर जाए अगर पल्सर 125 से, तो और भी कई सारे बाइक है 125 जैसे ग्लैमर हो गया, और इसका एक नीचे वाला वेरियंट भी आता है शाइन, वो तो इससे भी सस्ता है वो भी हो गया, तो क्यों नहीं। और पल्सर 125 ऐसा कुछ नहीं है जो इससे बहुत ज़्यादा महंगा आता है। और अगर लास्ट में मेरा राय अगर पूछा जाए अगर इन सब में से कौन सा लूँगा, तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो अभी घर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सनसेट हो रहा है, तब तक कुछ सनसेट का क्लिप्स एंजॉय करो, उसके बाद घर चल के बात करते हैं। हेलो, स्वीट होम। तो घर आ चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं। तो हम कहा था हाँ एक्सेलरेशन के बारे में बात कर, तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्यों लिया ये बाइक। और पहले बात कर लेते हैं कि इस बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करके पल्सर 125 से। तो अगर बात करें तो मतलब इस बाइक का जो मैक्स पावर है वो है करीब करीब 10.9 PS या 8 PS 7500 RPM पे। पर बात है पल्सर का, तो पल्सर का जो मैक्स पावर है वो है 11.3 और 11.4 ऑन पेपर्स एट द रेट 8500 RPM। तो बात की जाए तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों बाइकों में। और अगर टॉर्क का बात किया जाए तो इसमें 10.9 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आ जाता है 6500 RPM पे होंडा SP125 का बात कर रहा, और उसका आ जाता है 6500 RPM पे 11 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो मतलब ये देखो अपना पहला बात, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है अपना चॉइस। उसके बाद अगर बात करें तो होंडा SP125 में थोड़ा मस्कुलर बॉडी है, थोड़ा एक्स ब्लेड टाइप का है, ये छोटा एक्स ब्लेड बोल सकते हो या छोटा हॉर्नेट भी बोल सकते हो। तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर लुक बहुत अच्छा है, और पल्सर का वही ओल्ड एज डिज़ाइन चले आ रहा है। और पल्सर में आपको क्या थोड़े विथ वाले टायर मिलते हैं, मतलब थोड़ा ब्रॉड टायर, थोड़ा मोटा टायर मिलता है अगर कंपेयर कीजिए होंडा SP125 से, तो उसके थोड़े पतले हैं अगर पल्सर 125 से देखा जाए तो। और अदरवाइज दोनों का डिस्प्लेसमेंट मतलब 124.9 cc ही है, तो एक ही है। और फुल्ली डिजिटल वाला जो स्पीडोमीटर है या इंस्ट्रूमेंटल क्लंस कंसोल बोल लो, तो वो मिलता है। और पर पल्सर 125 में वही ओल्ड एज वाला ही डिज़ाइन है एनालॉग प्लस वो, जो कि बात करें जो अगर मेरे को उस दिन गया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं गया था स्पीडोमीटर के शॉप में, तो भैया ने बोला वो ही पूरा डिजिटल ही है, बस उसमें एक वो दिया हुआ है जो काटा उठता है ना, वो स्पीड वाला नहीं, अभी तो RPM वाला, तो बस फ़र्क हुआ है वो भी डिजिटल ही है, पर उतना समझ में नहीं आता लोगों को। पर उसने कहा कि वो खोलता तो वो डिजिटल ही है, हमें बुला ली थी कुछ काम करने के लिए। तो बात करते हैं तो हाँ, तो वो भी डिजिटल ही है,
तो बस फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क यहाँ आ जाता है कि जो इसका जो पार्ट्स है SP120 का, जो फाइबर क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, चेकआउट कर लेना। और मतलब आप इतना मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर आपका बाइक रोड के इतना हाइट से, इतना हाइट से भी अगर गिरता है, तो फिर भी आपका जो पार्ट है वो ब्रेक कर जाएगा, मैं स्क्रैच की बात नहीं कर रहा, ब्रेक कर जाएगा आपका पार्ट। तो और ये इतना बाइक हल्का है कि मतलब ये इसका हर एक थ्रॉटल पे रास्ते को छोड़ता रहता है। मतलब फर्स्ट गियर पे आप हल्का थ्रॉटल लोगे, इसका जो व्हील रहेगा वो हल्का सा ऊपर रहेगा, और अगर पुल कर लोगे, मतलब अगर क्लच मतलब हल्का से छोड़ देगा, पुल कर लोगे, तो फिर तो बड़ा वाला व्हील उठेगा, जो कि पल्सर में इतना बड़ा व्हील नहीं उठेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और जिसको मतलब सिटी कम्यूटिंग के लिए चाहिए, भी सिटी कम्यूटर है, वो भी सिटी कम्यूटर, तो मैं कहूँगा कि आप ये पहला बार आपका चॉइस है कि आप पल्सर 125 लो कि ये ले लो, हाँ SP125। तो अगर लेना होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि मतलब SP125 का अगर देखा जाए तो सिटी में ही चलाओगे दोनों, तो देखो कहीं पे भी गिरेगा तो उसका भी खराब मतलब उसका भी क्षति होगा, इसका भी क्षति होगा। मान लो उसका पार्ट ब्रेक कर जाएगा, उसका बहुत स्क्रैच होकर छूट जाएगा। तो देखो कि SP125 का जो इकोनॉमिक माइलेज है वो कहीं ना कहीं पल्सर 125 से बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत का फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग एकदम सिटी कम्यूटर हो या एकदम नॉर्मल चलाते हो तो बहुत का फ़र्क पड़ता है, ये बात भी मतलब माथा में रखना, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। और लेकिन एक बात याद रखना, अगर SP125 खरीदने जाओ तो प्लीज़ डिस्क खरीदना, नहीं तो लाइफ पे आप ये कर रहे हो, मतलब क्या सोचूं, अपना जान हाथ में लेके चल रहे हो। क्योंकि इसका ब्रेकिंग, पहला बात दोनों में कॉम्बी ब्रेक्स आते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग है, तो ब्रेक्स एकदम इसके अच्छे नहीं है। तो प्लीज़ लेने से डिस्क ब्रेक लेना, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इतना पैसा खर्च करे तो और 4000 की किसी के सिटी में 5000 3500 इतना ज़्यादा खर्च कर ही सकते हो। और अगर जिसका प्लान कर रहा है पल्सर 125 लेने का, तो प्लीज़ मैं तो कहूँगा कि अगर प्लान करो पल्सर 125 का, तो अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ थोड़ा दिन और रुक जाओ। क्योंकि अगर 15,000 आसपास की 18,000 आसपास जमा लोगे और तो आप 150 के ले जा सकते हो, और 150 इज़ द बेस्ट, तब आप SP125 से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर बात की जाए पल्सर 125 में, अगर आपके पास बजट प्रॉब्लम है तो फिर इट्स अपॉन यू, मतलब चॉइस कर लो आप। मैंने भी इसके बारे में कुछ खामी बोला, आपके पास भी कुछ खामी होगा, और इसमें बहुत सारा अच्छाई भी है और उसमें बहुत सारा अच्छाई। और अगर आपके पास बजट प्रॉब्लम नहीं है, आप 15 अगर आप ऐसे सिटी कम्यूटिंग बाइक से लेना चाहते हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा मतलब 15,000 या 20,000 से ज़्यादा और ये कर लो, बजट कर लो और 150 ले लो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब वो एक बाइक है, मतलब अच्छा भी है, उसमें आपको डिस्क भी मिल जाएगा सामने में, और शायद उसमें सिंगल चैनल ABS भी आता है, तो दैट विल बी बेटर फ्रॉम SP125 और पल्सर 125। ये वीडियो देख रहे हो शायद 31st December 2020 होगा, तो मैं ज़्यादातर वीडियो शाम में अपलोड करता हूँ, तो ऐसे शाम को या रात को ये वीडियो आएगा, तो कुछ ही घंटों में हमारे पास 1st January 2021 आ जाएगा। तो सबको एक हैप्पी न्यू ईयर है, और सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना, अच्छे से रहना, हो सके तो बाहर बहुत ज़्यादा जाना अवॉइड करना, थोड़ा सा इनडोर मतलब रहने की कोशिश करना, वीडियो को देखना, एंजॉय करना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहाँ हो यार, सब्सक्राइब करके जाओ, फैमिली में मेंबर बन के जाओ, और इस वीडियो को भी लाइक करना। अब इस टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का, तो एंड करते हैं जाते जाते। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, और जो भी कोई प्लान कर रहा है, आपका फ्रेंड, आपका भाई, आपका बड़ा भाई, रिलेटिव को भी, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना कि वो भी थोड़ा समझ जाए। और मैंने पहले बाइक का कुछ क्लिप्स भी शेयर किया, तो वो भी देख ले, समझ जाए इस वीडियो को देख के, कि उसका लास्ट चॉइस उसी का होगा कि वो कहाँ जाना चाहता है, मतलब वो कौन से लेना चाहता है। तो मतलब एक हिसाब से मैं शेयर कर देना कि वो भी समझ जाए दोनों के हिसाब से। ये देखो आपको YouTube पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगे दोनों को बाइक लेकर के, तो मैं वैसा इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल उस रिव्यू या टेक बैग ये सबसे रिलेटेड नहीं है। मैं जस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि विच विल बी बेटर एज अ रियल लाइफ। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट ठीक ठाक वीडियो है। तो चाहते हैं बाय बाय, डाटा बाय बाय, वेट टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, और प्यार बढ़ाओ, लाइक सब्सक्राइब सब करो, ठीक है? तो बाय बाय, टिल देन चेंज यूर साइनिंग ऑफ।
हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बाइक अब ए भाई बाइक रख बाइक रख।